हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट गेम कंपटीशन में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021। तो दोस्तों, जैसा कि 1,03,000 पदों की जो भर्ती निकली है 2019 में आपकी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला था अप्रैल में। जैसा कि उसमें एग्ज़ाम चला था NTPC का, वही 7th फेज का एग्ज़ाम बचा हुआ था, उसके बाद आपका 18 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, लेकिन COVID-19 की वजह से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। कि फिर बीच में नोटिस जारी हुई कि जब आपका जो कोरोना केसेस जो चल रहे हैं वो सब कुछ जब ठीक रहेगा उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी सभी जगह क्या है कि लॉकडाउन हट रहे हैं, तो अब एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो आपका रेलवे ग्रुप डी का है वह जुलाई में स्टार्ट हो सकता है दोस्तों, जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन जुलाई में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं स्टार्ट होने के, कि आपका एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी का स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। और इसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा? और दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड जैसा कि एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, और जो आपका NTPC का 7th फेज का एग्ज़ाम हुआ था, और उस वो एग्ज़ाम जो है कि रेलवे ग्रुप डी जो परीक्षा है उसके पहले होगा, और ये 7 लाख जो भी बच्चे बचे हैं उनका एग्ज़ाम 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएगा दोस्तों।